इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, अपन ये जानेंगे कि इस साल इतनी ठंड हो क्यों रही है और इस साल इतनी ठंड बढ़ क्यों रही है। विश्व में जो मौसम होते हैं वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और जैसा सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग होने का मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो 23.5 डिग्री पर ही झुकी रहती है, और वो उसके झुकने के कारण जो भी उसका हिस्सा सीधा सन के सामने होता है, सूरज सामने होता है, उसमें उस हिस्से में गर्मी होती है, और जो उसके अपोजिट होता है वो उस हिस्से में सर्दी होती है। तो अभी जो हमारी पृथ्वी, हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो इंडिया हमारे नॉर्थ गोल में है, नॉर्थ साइड में है। इस वजह से क्या होता है कि जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट हमारी भारत इंडिया के रीजन में नहीं पड़ पा रही, जिसके कारण से नवंबर से लेकर फरवरी तक हमारे यहाँ काफ़ी ठंड देखने को मिलती है। और इसमें भी स्पेशली जो हमारा दिसंबर से लेके जो हमारा जनवरी लास्ट का जो समय है, इस समय में जो सन रेज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़ पाती हैं, इससे हमारे यहाँ सर्दी बढ़ती है। और रहा सवाल इस बात का कि इस समय हमारे यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, अभी देखा गया है कि पिछले 100-125 साल में इतनी सर्दी नहीं हुई है, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे यहाँ क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ जो पारिस्थितिक तंत्र है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, और जिसके कारण से हमारे यहाँ न केवल सर्दी बल्कि आपने देखा होगा इस बार गर्मी ने भी अपने सारे रिकॉर्ड पिछले बार की अपेक्षा तोड़ दिए हैं, और ये आने वाले कई वर्षों में भी ऐसा जारी रहेगा। हम जब तक अपनी एटमॉस्फेयर से, अपनी प्रकृति से खिलवाड़ जारी रखेंगे और हम उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, और आने वाले समय में बाढ़ और ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं वो भी बहुत तेज़ी से होंगी। ये तो जान लिया कि सर्दी बढ़ क्यों रही है इतनी। पिछले दिनों नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव्स के, बहुत तेज कोल्ड वेव्स के कारण नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त सर्दी हुई। टेम्परेचर मिनिमम 2, 3 और 4 तक चला गया। सर्दी बढ़ने के कारण वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब तो आम प्रॉब्लम होती जा रही है। इन्हीं से बचने के लिए अपन अब मेरी दादी से उपाय पूछते हैं। ये अब हम जानेंगे सर्दी जुकाम से बचने के लिए घरेलू उपाय। फ्रेंड्स, तो मैं अपनी दादी से आपकी मुलाकात करवाऊंगी, वह आपको बताएंगी अपने पुराने आजमाए हुए नुस्खे। इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने वीडियोस को लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए। यह है मेरी प्यारी दादी। दादी, आपका मेरे चैनल में आप पहली बार आए हो तो आपका बहुत स्वागत है। तो आपने पहले कभी अपने ऐसी ठंड नहीं की? मैंने ऐसी ठंड तो कभी नहीं देखी है, 25 साल से पहले कभी नहीं हुई है, इस साल जैसी ठंड पड़ रही है। दादी, जब हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, तो आप अपने बच्चों को कैसे संभालते? मैं अपने बच्चों को इस तरह से बचाती थी कि थोड़ी सी हल्दी ली और उसमें थोड़ा 2 चम्मच घी डाला और हल्दी डाली, उसमें लौंग और हींग डाली, उसको गर्म किया, गर्म करके थोड़ा नमक मिला के चावल खिलाई और थोड़ी उसकी रोटी भी चुपड़ के खिलाई, तो उसमें सर्दी बंद हो जाती है, क्योंकि सर्दी बहुत लाभदायक है। जाड़ों में गुड़ खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए और खुद खाना चाहिए। गुड़ घी में भी खा सकते हैं, गुड़ मेवा मिला के खा सकते हैं। गुड़ बार बार बाथरूम आती है तो उसको भी कम करता है और पाचन शक्ति भी बढ़ाता है, शुगर नहीं बढ़ती है, इसलिए बच्चों को, बड़ों को, सबको गुड़ खाना चाहिए। अम्मा, और खांसी आती है तो क्या करना चाहिए? खांसी के लिए थोड़ा सा कच्चा और थोड़ा लौंग मुँह में डाल के उसको
चूरना चाहिए तो खांसी थोड़ी थोड़ी बंद हो जाती है। अगर ज़्यादा खांसी आती हो तो दो चम्मच हल्दी तवा में थोड़ी सी भून के और उसमें शहद मिला के और रात सोती टाइम रात को बच्चों को खिला दें तो उससे खांसी, और पानी मत पिलाएं तो उससे खांसी बंद हो जाती है। और खांसी आती है तो अजवाइन और लोहान की धूनी भी लगा के थोड़ी सी सिकाई कर दें तो फिर सर्दी बंद हो जाती है। एक बात और है, जब अपन नहाएं गर्म पानी से नहाएं ठंड में और सिर से पानी मत डालें, पैर से नहाएं और खाली पेट कभी बाहर न निकलें, ठंड खाली पेट से लगती है, इसलिए खाना खा के ही कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। ये तो थे हमारी दादी माँ के नुस्खे। अब अपन कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स पर ध्यान देते हैं जिन पर अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं। खाना तो दुश्मन बिल्कुल ही ना खाएं, गरम गरम खाना खाएं, गुनगुना ही पानी पिए, गरम गुनगुना दोनों पानी पी सकते हैं, और खाने में हेल्दी फूड जरूरी है। मैं बाहर निकलते समय नाक कान और मुंह को ढका